हेलो गाइस, वेलकम इन एसएस नॉलेज अड्डा। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइट पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे लेंथेनाइट की बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जो कि मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया है। आप इसे डिटेल्स इन डिटेल्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और लेंथेनाइट जो हैं क्या कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो दिया हुआ है और कैसे वेरी करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे वेरी करता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो डिक्रीज़ होने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, कैसे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से उसमें बाइंड करते हैं और उसकी जो CFE है क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट वो कितना कैसा शो करता है। तो जो लेंथेनाइट होते हैं बहुत स्मॉल क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट शो करते हैं और लिटिल डिपेंडेंट होते हैं लिगेंड्स पे, और आयनिक कंपाउंड्स जो इनके लिगेंड एक्सचेंज होता है वो कैसा होता है, और लेंथेनाइट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, कौन सा पैरामैग्नेटिज्म शो करता है कि डायमैग्नेटिज्म शो करता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। और उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कौन से सबसेल में होता है वो, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो जो ये पूरे डिटेल्स हैं यहाँ पे ये दिए हुए हैं। अब हम कुछ थ्योरी पोर्शन देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइट। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन आयन और एन एटम आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी आयन और एटम की वो उसके इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से बताई जाती है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उससे हम किसी भी एटम या आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। इन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन पेयर्ड फॉर्म देन द आयन इज डायमैग्नेटिक, वाइल इफ द इलेक्ट्रॉन आर इन अनपेयर्ड कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर पेयर्ड में है तो उसे हम डायमैग्नेटिक बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। जो लेंथेनाइट्स होते हैं वो मोस्टली प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज को जो उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो मोस्टली प्लस 3 होती है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल इन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किन किन चीज़ों पर रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड सेकेंड है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कोई ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन जो इसकी ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहा है तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग जनरेट होता है। और जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पिन, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका कोई स्पिन होगा, मतलब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस पे इसके कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के मूवमेंट के कारण। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है और अपने स्पिन में भी मूव कर रहा है, जस्ट एज हम इसको वैसा ही एग्जांपल ले सकते हैं कि ये सन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एटम है और ये अर्थ हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी मूव कर रहा है और अपने स्पिन में भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की ओरिजिन कहाँ से हुई। बोथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज कंबाइन इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड आयन। तो जो मोशन, फर्स्ट हमारा मोशन था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन या मूवमेंट, या सेकेंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दोनों जो मोशन है, दोनों जो मूवमेंट है वो कंबाइन इफेक्ट शो करता है लेंथेनाइड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। हम मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है स्पिन मोशन या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से होता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट 4s s प्लस 1, एंड सेकेंड है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन में, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ऑर्बिट में हो रहा है उससे हमारा ऑर्बिटल मोशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट l प्लस 1। अभी हमने जैसे देखा कि लेंथेनाइट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दोनों मोशन का कंबाइन इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे हम कंबाइन कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो अगर दोनों के फॉर्मूला को कंबाइन कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस l प्लस 1, और इसका जो यूनिट होता है bm। तो s यहाँ पे है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर और l है रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम व्हेन वी कंपेयर लेंथेनाइड एंड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज दिस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लेंथेनाइड के और ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं तो हमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है वो दूसरा मिलता है, वो हमें मिलता है म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस वन। मतलब वहाँ पे जो है ऑर्बिटल मोशन सो नहीं होता, ओनली स्पिन मोशन सो होता है, ऑर्बिटल मोशन वहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है। ऑर्बिटल मोशन किन केसेस में नेग्लिजिबल हो जाता है? ट्रांजिशन मेटल के केसेस में। और ये जो हमारा म्यू एस वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कहलाता है ओनली स्पिन ओनली फॉर्मूला, दिस स्पिन ओनली फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर सम लेंथेनाइड। और ये जो स्पिन ओनली फॉर्मूला होता है कुछ लेंथेनाइड्स में भी एप्लीकेबल होता है, जस्ट लाइक एल ए प्लस थ्री, एल यू प्लस थ्री, जी डी थ्री प्लस एंड जो अदर लेंथेनाइड आयंस होते हैं उनमें एप्लीकेबल ये नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जे रिजल्टेंट और जे कपलिंग। जे कपलिंग कैसा होता है? जब स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसे हम जे जे कपलिंग बोलते हैं, वहाँ पे जे कपलिंग होती है। और इसके आगे जे कपलिंग हम कैसे निकालते हैं, दो इसमें कंडीशन होता है। फर्स्ट होता है आयंस हैविंग लेस देन हाफ फील्ड सेल, मतलब जो आयंस होते हैं वो सेल में हाफ फील्ड हो। फॉर एग्जाम्पल जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं वो एफ ऑर्बिटल में मोस्टली होते हैं, तो एफ ऑर्बिटल में सेवन सेल होता है, तो सेवन सेल में वन वन इलेक्ट्रॉन सभी में फील्ड हो, तो ऑल सेवन ऑर्बिटल फील्ड इन वन वन इलेक्ट्रॉन्स बाय वन वन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम बोलेंगे हाफ फील्ड सेल। और नेक्स्ट कंडीशन क्या, आयंस हैविंग मोर देन हाफ फील्ड सेल, मतलब आयंस जो हैं सेवन जो इसके सेल हैं उसमें एक एक तो सभी में हो ही और कुछ में और ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे कितने हुए, ये फाइव हुए, सिक्स एंड सेवन, तो एक ये हुआ, दो तीन चार पाँच छः सात, और यहाँ पे भी एक आ गया और यहाँ पे भी एक आ गया, तो ये मोर देन हाफ फील्ड सेल हो गया। तो ये दो कंडीशन होती है जिस पे जे जे कपलिंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट है म्यू इफेक्टिव, और इसी जे कपलिंग से हम एक न्यू फॉर्मूला हमें मिलता है जिससे हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, तो इससे हम म्यू इफेक्टिव या म्यू जे बोल सकते हैं। तो इसके लिए न्यू फॉर्मूला क्या है, जी अंडर रूट जे जे प्लस वन, तो जी यहाँ पे क्या है, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है, और जी के लिए एक नया फॉर्मूला है वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन एंड अपॉन टू जे जे प्लस वन। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथेनाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, सिंस लेंथेनाइड एल ए थ्री प्लस एंड एल यू थ्री प्लस आयन हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर नॉट पैरामैग्नेटिक बट दे आर डायमैग्नेटिक। ऐसे ही कुछ और डिटेल्स हैं। तो आगे के कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे ऑल अदर एल एन प्लस थ्री आयन सो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और अब इसके आगे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किसकी मैग्नेटिक वैल्यू जो है वो कितनी हाई होती है, कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हाई जाता है, कितना इंक्रीज होता है। तो एन डी थ्री। नेक्स्ट हम लेंथेनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स सो हैं और ये यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लेंथेनाइड होता है ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते, तो ये फुली फील्ड हो गया। और यहाँ पे ल्यूटेनियम जो हमारा लास्ट लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है वो भी उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक होता है। अब देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पे जो ND3+ है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे SM+3 है वो सबसे लेस मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, क्यों, क्योंकि इस पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ फिर आगे हम और जाते हैं तो ये सीरीज बढ़ता है, और DY3+ जो है वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डाउनवर्ड कम होते जाता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है टी वी प्लस थ्री का, इसमें सबसे पहले हम एच टर्म निकालेंगे। एच टर्म निकालने के लिए हमें एन बाय टू सबसे पहले फाइंड करना है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टी वी प्लस थ्री का लास्ट जो ऑर्बिट है वो क्या है, फोर एफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन है एट। तो हम इसे एफ ऑर्बिटल में फील्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो हमने इलेक्ट्रॉन फील्ड किया। अब देखेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स, तो एन की वैल्यू हमारी सिक्स हो गई। तो एस इज इक्वल टू सिक्स बाय टू इक्वल टू थ्री आ गया, तो एस की वैल्यू थ्री आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे एम टर्म। एम टर्म क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, टू एस प्लस वन। अब देखिए हमने यहाँ पे एस की वैल्यू निकाल ली है, तो टू इंटू थ्री प्लस वन हो गया, एम इज इक्वल टू सेवन आ गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एल टर्म। एल टर्म के लिए एल क्या है, हमारा ऑर्बिटल वैल्यू, ठीक है। तो ऑर्बिटल वैल्यू के लिए हम जो एफ ऑर्बिटल है उसको फील्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो हमने सारे इलेक्ट्रॉन को फील्ड किया। अब इसमें सेंटर इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम जीरो देंगे, फिर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री।
जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो प्लस में जाएगा और राइट हैंड साइड पे माइनस में जाएगा। अब हम इसे प्लस माइनस को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, तो फिर देखिए अभी से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हुआ, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल आउट हुआ, और माइनस थ्री और प्लस थ्री, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हुए तो प्लस थ्री सिक्स हो गया, तो प्लस सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो एल की वैल्यू हमारी आ गई थ्री। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल देख लेंगे तो जीरो होता है एस के लिए, वन होता है पी के लिए, टू होता है डी के लिए, थ्री होता है एफ के लिए, तो ये हमारा एफ हो गया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वैल्यू एल की वैल्यू हो गई एफ। कैलकुलेशन अब हम कैलकुलेट करेंगे जे की वैल्यू, जे की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये कपलिंग है तो एल प्लस एल, एल प्लस एस स्पिन एंड ऑर्बिटल कपलिंग, तो एस की वैल्यू आई थ्री और एल की आई थ्री, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा एफ। अब यहाँ पे हमने देखा था ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए क्या होता है एल टू एस प्लस वन जे, तो टू एस प्लस वन क्या हो जाएगा एस की वैल्यू थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन एंड जे की वैल्यू सिक्स, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे म्यू इफेक्टिव या म्यू जे, तो म्यू जे की जो फॉर्मूला था वो था जी अंडर रूट जे जे प्लस वन, और जी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हम सबसे पहले जी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यू है एस की है, एल की है, जे की, हमने पहले से सॉल्व निकाल लिया है, तो एस की वैल्यू थ्री है, एल की वैल्यू थ्री है, जे की वैल्यू सिक्स है, तो हम सारी वैल्यू को पुट ऑन करके और फिर इसे सॉल्व करेंगे तब हमारा जी की वैल्यू आ जाएगा थ्री बाय टू। नेक्स्ट फिर हम म्यू जे निकालेंगे, तो जी की वैल्यू हमारी थ्री बाय टू आई है और जे की वैल्यू सिक्स और सिक्स, तो इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आगे हमारा वैल्यू हो जाएगा 9.72 bm, तो ये हमारा म्यू जे आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टीवी थ्री। For more videos, please follow my channel. Thank you.